बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे बहुत मशहूर हूँ। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मुस्तकबल का अजम है, मुस्तकबल की ताकत है, नहीं ला सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ लेडीज के वजूद से और काफी बड़ी तादाद से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आपसे मशहूर हूँ और फातिमा भी आपसे मशहूर है कि आप हमारे सालगिरह मनाने में शिरकत में। और मैं समझती हूँ ये जो सियासत हो रही है मुल्क में, ऊपर के लोगों की सियासत, इसमें बहुत बेइज्जती है आवाम के लिए। क्योंकि ना इसमें ऐसे सियासत है जो आवाम की मफादात के लिए है, ना इसमें कोई होशियार सियासत हो रही है या होशियार स्टेटमेंट्स हो रहे हैं जो लोग समझेंगे कि हमारे सद्दान होशियार लोग हैं, समझने लोग हैं जो होते हैं। लेकिन हम शहीद भुट्टो खामोश है लेकिन मौजूद है मैदान में, देख रहा है, इंतजार कर रहा है ताकि जब ये वक्त आएगा तैयार होंगे सियासी तहरीक को शुरू करने के लिए, शहीद भुट्टो उस वक्त तक इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि काफी चीजें हुए लड़काना में, काफी चीजें हो रहे हैं जो हम उन पे नाराज हैं। मुर्तजा की केस में जरदारी को माफ किया और जज ने गैर कानूनी तौर से उन्होंने ये केस खत्म कर दिया। तहरीक चला रहे हैं जजों को रिस्टोर करने के लिए, जजों को बेहाल करने के लिए, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला।
गैर कानूनी फैसला है। लेकिन हम जमहूरियत की खातिर के लिए एतराज नहीं किया उसी फैसले पे, क्योंकि फौज और एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इस मुल्क को उस हद तक पहुंचाया कि जमहूरी तरीके से ऐसे लोग पहुंच सकते हैं हुकूमत तक, इख्तियार तक, जिनके ऊपर हजार हजार काला दाग है, चोरी का दाग है। और हमें पता है कि उसी बाई इलेक्शंस में अमरीका खुद मुदाखला कर रही है ताकि 207 भुट्टो असली भुट्टों के पास नहीं जाएगा। हम 207 पे नहीं लड़े, क्योंकि अगर हम फरियाल तारपुर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम फरियाल तारपुर को बेइज्जत, हम फरियाल तारपुर को के इज्जत करेंगे, हम उसको इतनी इज्जत नहीं देना चाहते। अगर हम उससे लड़ेंगे उसको इज्जत मिलेगी, हम उससे नहीं लड़ेंगे। और ये सियासत की आखिरी दिन नहीं है, अवामी सियासत आ रही है, आने वाले हैं, और हमें उसी दिन के लिए तैयार होना चाहिए। अगर मुनज्जम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, अगर मुनज्जम नहीं है तो तब्दीली नहीं हो सकता है, अगर मुनज्जम नहीं है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम की पार्टी नहीं बनेगी। इसलिए हम मेंबरशिप साजी शुरू किए और नीचे सतह से शुरू किए, और हमने ये जिम्मेदारी वार्ड्स को दिए, टाउन्स को दिए, ताकि टाउन्स और वार्ड्स खुद अपने आप को मुनज्जम करेंगे। मुनज्जम क्यों होना चाहिए, किस चीज के लिए होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे, इसलिए हम पार्टी को मुनज्जम करना चाहिए ताकि एक मर्द की ताकत अपनी पूरी वार्ड की ताकत बनेगी, और एक वार्ड की ताकत अपनी पूरी टाउन की ताकत बनेगी, टाउन की ताकत पूरी पार्टी की ताकत बनेगी। तो बिस्मिल्लाह करें, पार्टी को मुनज्जम करें, लियारी दोबारा भुट्टो का शहर बना, पीपल्स पार्टी का शहर बना, असली पीपल्स पार्टी का शहर बना, अवामी पीपल्स पार्टी का शहर बनाओ। आज लियारी, आज गोलीमार और लियारी और पूरी पाकिस्तान जालिमों के कब्जे में है, और जालिमों के कब्जे को खत्म करने के लिए अवाम को लड़ना चाहिए। इस कब्जा को खत्म करो, अमीरों का कब्जा खत्म करो, जालिमों का कब्जा खत्म करो। सिर्फ ये अवाम के बस में है, सिर्फ ये आपकी बस में है, सिर्फ ये हमारी बच्चों हमारी जवानों के बस में है, और सिर्फ इस तरीके से हम हमारे बच्चों का मुस्तकबल बचा सकते हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबल बना सकते हैं। अगर तालीम के तौर पर, अगर सेहत के तौर पर, अगर अमन व अमान के तौर पर, अगर मुल्क की इज्जत के तौर पर।